Good afternoon, everyone. Myself, Kritika. I'm lecturer at EC department in Meherchand Polytechnic College, Jalandhar. Today, we will cover our new topic, that is strain gauge, under the subject name of electronics, instruments and measurement. हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसड्यूसर क्या होता है और उसके कौन से टाइप्स हैं ये पढ़ा था. तो उसमें टाइप्स में हमने पहली टाइप पढ़ी थी वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप, देन कैपेसिटेंस टाइप एंड इंडक्टेंस टाइप. तो अब जो वेरिएबल रेजिस्टिव टाइप था उसकी फर्दर सब टाइप है स्ट्रेन गॉज. तो इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप का प्रिंसिपल यूज़ होगा और जो हमारा पहला ट्रांसड्यूसर है दैट इज स्ट्रेन गॉज, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है. स्ट्रेन गॉज में हमने आज इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, वर्किंग करेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन. ये जो आप छोटी सी चिप देख रहे हो, दिस इज़ बेसिकली अ ट्रांसड्यूसर जिसका नाम है स्ट्रेन गॉज. ये जूम करके मैं आपको दिखाऊंगी एक इमेज की ये कैसा दिखता है. अभी जस्ट आप ये देखो कि एक कंडक्टर के साथ या एक मेटल के साथ हमारा ये स्ट्रेन गॉज जो है वो लगा हुआ इस तरह का है स्ट्रेन गॉज देखने में. अब स्ट्रेन गॉज है, ये एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है. पैसिव ट्रांसड्यूसर अगेन वो ट्रांसड्यूसर थे जिनको हम एक्सटर्नली बैटरी प्रोवाइड करते थे. तो स्ट्रेन गॉज एक तरह का पैसिव ट्रांसड्यूसर है जो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को दैट कन्वर्ट्स अ मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू चेंज ऑफ रेजिस्टेंस. मतलब जब हम इसको मैकेनिकली चेंज करेंगे इसके कोई भी पैरामीटर को, तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा. और हमें याद होगा कि वेरिएबल रेजिस्टिव टाइप में यही था कि कुछ भी पैरामीटर के चेंज होने से रेजिस्टेंस में चेंज आता था, इसीलिए दिस इज अ सब टाइप ऑफ वेरिएबल रेजिस्टिव टाइप. अब स्ट्रेन गॉज है क्या? एक थिन वेफर लाइक डिवाइस है दैट कैन बी अटैच टू वराइटी ऑफ मटीरियल टू मेजर अप्लाइड स्ट्रेन. अब ये देखो, ये इस तरह से वेफर टाइप एक थिन सा मटीरियल है जो कि हम जिसको भी मेजर करना चाहते हैं, जिस भी मटेरियल को, उसके साथ इसको अटैच कर देते हैं. ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, ये हम नहीं पढ़ेंगे. तो स्ट्रक्चर, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होता है फोर्स. ठीक है, तो मेजोरिटी जो हमारे स्ट्रेन गॉज हैं जनरली वो फॉइल टाइप के होते हैं जो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए वो यूज़ हो सके. तो रेजिस्टिव फॉइल पैटर्न जो है, ये अभी जो नीचे आपको इमेज नज़र आ रही है, ये रेजिस्टिव टाइप फॉइल टाइप मटेरियल है. तो इसमें ये किस तरह से काम करता है हम उसको देखते हैं. पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी देखें. ये आप देख रहे हो, ये एक तरह का वेफर टाइप बना हुआ है. ये इसके एंड लूप्स हैं. ये जो इन बिटवीन आपको नज़र आ रहा है ये ग्रिड है. ये एंड लूप्स अगेन, ये इसकी लेंथ है. और ये जिसमें ये मटेरियल एनक्लोज्ड है इसको बैकिंग और इनकैप्सुलेशन बोलते हैं. अब ये कैसे काम करता है? जो फॉइल है, बेसिकली फॉइल इस चीज़ को बोला है, ये जो फॉइल है ये स्ट्रेस के साथ इंटररिलेटेड है. तो जैसे ही अगर कोई किसी फॉइल में चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा. प्रॉपर इसकी वर्किंग जो है हम अब यहाँ पढ़ रहे हैं. अब देखो, सपोज मैंने एक, मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है. ये व्हीटस्टोन ब्रिज आप सबने फिजिक्स में प्रैक्टिकल्स में पढ़ा होगा. व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसके साथ मैंने स्ट्रेन गॉज को अटैच कर दिया. ठीक है, मतलब मैंने अब इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज में एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करना है. स्ट्रेन गॉज हम ऐड करते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए. तो यहाँ पे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में स्ट्रेन गॉज को हमने अटैच किया है. तो दैट मींस कि अगर रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज आएगा तो स्ट्रेन में चेंज आना चाहिए, और अगर स्ट्रेन में कोई भी चेंज आता है तो रेजिस्टेंस में चेंज आना चाहिए, ताकि हम व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छे से मेजर कर सकें. अब जब यहाँ पे स्ट्रेन इज बेसिकली फोर्स, जब यहाँ पे कोई भी फोर्स लगेगा तो इनके रेजिस्टेंस के पैरामीटर्स में चेंजेस आएंगे. ठीक है, उसके चेंज आने से हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज के पैरामीटर्स में चेंजेस आएंगे. तो हम उतना फोर्स अप्लाई करेंगे कि हमारा ब्रिज बैलेंस हो जाए. ठीक है,
अब अगर हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो स्ट्रेन गॉज की जो सेंसिटिविटी है वो गॉज फैक्टर के साथ हम मेजर करते हैं, जिसका यूनिट इज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन लेंथ। कितना रेजिस्टेंस में चेंज आया अपॉन कितना लेंथ में चेंज आया। लेंथ किस चीज़ की, जो फॉइल है जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, कोई स्ट्रेन लगाएंगे, कोई प्रेशर लगाएंगे, तो इसकी विड्थ या इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। जनरली इसकी लेंथ चेंज होती है। इसकी जब लेंथ चेंज होगी तो इसके साथ जो रेजिस्टेंस अटैच है वो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। और ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे लेंथ चेंज होने से रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, इसीलिए हमने इसको रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर भी बोला है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फैक्टर हम कैसे मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया लेंथ में चेंज होने से। तो गॉज फैक्टर जो है वो इस पॉइजन रेशियो म्यू के साथ भी हम डिनोट करते हैं, दैट इज के इज इक्वल टू 1+2μ। ये आपको याद रखनी है इक्वेशन। अब स्ट्रेन गॉज क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये देखने में इस तरह से है, जैसे इस पर स्ट्रेन लगेगा इसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण हमारी रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। अब स्ट्रेन गॉज जो है वो काफ़ी तरह के हैं। मैकेनिकल स्ट्रेन गॉज का मतलब हम मैकेनिकली कोई फोर्स लगा रहे हैं जिससे उसके पैरामीटर्स में चेंज आ रहा है। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गॉज भी है, पीजो इलेक्ट्रिक है, बेस्ड ऑन माउंटिंग भी है। बेस्ड ऑन माउंटिंग का मतलब वो किस तरह से बने हुए हैं, बॉन्डेड स्ट्रेन गॉज है या अनबॉन्डेड है। अब हम इन सारी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी टाइप्स हैं, जैसे फॉयल स्ट्रेन गॉज जो भी हमने देखा, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज और फोटोइलेक्ट्रिक स्ट्रेन गॉज। डिपेंड करता है हम किसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब मैकेनिकल स्ट्रेन गॉज सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास दो सेपरेट प्लास्टिक लेयर्स होती हैं, जो सबसे नीचे वाली लेयर है उस पर रूलर स्केल लगा हुआ है और जो टॉप है उस पर एक एरो लगा हुआ है। ये आप पिक्चर में देखो, ये मैकेनिकल स्ट्रेन गॉज है। तो जो रेड कलर का एरो है वो टॉप लेयर पे लगा हुआ है और जो रूल्ड स्केल है जो वो बॉटम पे। तो एक लेयर जो है वो हमने क्रैक के साथ अटैच करी हुई है और दूसरी लेयर दूसरी के साथ, ठीक है। तो जैसे ही क्रैक ओपन होगा, क्रैक इज ये जो चीज़ है, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो लेयर जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। थोड़ी सी पॉइंटर, बेसिकली ये वाला पॉइंटर मूव करेगा। जब ये वाला पॉइंटर स्केल के ऊपर मूव करेगा तो हमारे क्रैक में थोड़ा सा चेंज आएगा, ये क्रैक थोड़ा सा वाइड अप हो जाएगा, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, जिससे कि हमारे रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। ये है मैकेनिकल स्ट्रेन गॉज। मैकेनिकल हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि हमने क्रैक को खुद ओपन किया। जब हमने इसको खुद ओपन किया दैट मीन्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ लगा रहे हैं और उसके साथ ही हमारे जो पैरामीटर्स है, जो रेजिस्टेंस है इसकी, वो चेंज हो जाएगी। और जब हम क्रैक को ओपन करेंगे तो पॉइंटर थोड़ा सा स्केल के ऊपर मूव करेगा। उसके बाद इस तरह से दिखने वाला होता है इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गॉज। ये आपने देखा है, ये स्ट्रेन गॉज लगा हुआ है। तो जब भी इलेक्ट्रिकल वायर को हम स्ट्रेच करेंगे, ये जो वायर है जब हम इसको खींचेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे, तो इसकी इलास्टिसिटी चेंज होगी और इसकी इलास्टिसिटी चेंज होने से ये स्ट्रेन गॉज की लेंथ जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण इसकी रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गॉज। उसके बाद आता है पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गॉज। ये देखने में इस तरह से है। स्ट्रेन गॉज का प्रिंसिपल सेम है हर जगह, बस ये जो मटीरियल्स हैं ये अलग अलग हैं या फॉर्मेशन अलग अलग है। पीजो इलेक्ट्रिक जनरेट इलेक्ट्रिक वोल्टेज व्हेन स्ट्रेन इज अप्लाइड ओवर इट। जब हम इस पे स्ट्रेन डालेंगे तो ये वोल्टेज जनरेट करेगा। तो इसमें क्या होएगा, स्ट्रेन से बेसिकली हम वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक नाम से ही पता लगता है कि इसमें वोल्टेज का रोल है। तो पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गॉज जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और रिलायबल होते हैं। इसके पैरामीटर्स में जब भी हम स्ट्रेन डालते हैं, इस पर कोई प्रेशर डालते हैं, तो हमारे वोल्टेज में चेंज आ जाता है। और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो कॉरेस्पॉन्ड रेजिस्टेंस में भी चेंज होता है। देन आता है बॉन्डेड स्ट्रेन गॉज। बॉन्डेड स्ट्रेन गॉज एलिमेंट जो है इसमें मेटेलिक वायर लगी होती है, ये वाली।
मेटेलिक वायर लगी हुई है, वैक्यूम डिपॉजिटेड फिल्म है, एच्ड फॉइल है और सेमीकंडक्टर बार है। ये देखो आप, इस तरह से ये जो बीच में मटेरियल है वो ये वाला है, तो इस तरह से देखने वाला ये बॉन्डेड स्ट्रेन गॉज होता है। अनबॉन्डेड स्ट्रेन गॉज में जो वायर है वो स्ट्रेच्ड होती है दो पॉइंट्स के बीच में। ये देखो ये वाली वायर लगी हुई है और ये दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेच करी हुई है, खींची हुई है। जब भी हम फोर्स लगाएंगे इसमें चेंज आएगा, क्योंकि एक एंड जो वायर का है वो फिक्स्ड है और दूसरा एंड जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो जैसे ही हम वायर को स्ट्रेच करेंगे और देखेंगे तो उसमें हमारा चेंजेस आएंगे। ये अनबाउंडेड स्ट्रेन गॉज है, मतलब इसमें चेंज आ सकता है। ये फॉयल स्ट्रेन है जो हमने सबसे पहले देखा था। फॉयल स्ट्रेन गॉज में मेटल फॉयल लगी हुई है, देखो आपको यहाँ फॉयल नज़र आ रही होगी सिल्वर कलर की। ये मेटल फॉयल लगी हुई है, इसमें फोटो एच्ड ग्रीन पैटर्न लगा हुआ है जो कि एज एन इंसुलेटर काम कर रहा है। तो बेसिकली स्ट्रेन गॉज जो है वो अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं और काम इन सबका एक ही है कि जब भी हम इस पर प्रेशर या फोर्स क्रिएट करेंगे तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। सिर्फ एक पीजो इलेक्ट्रिक में वोल्टेज में चेंज आता है और वोल्टेज में चेंज आने से भी रेजिस्टेंस चेंज होती है, क्योंकि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देन आता है सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज देखने में इस तरह से है, ये बहुत ही स्मॉल मेजरमेंट के लिए यूज होता है या स्मॉल स्ट्रेन को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज बोलते हैं या इसको पीजो रेजिस्टर भी बोलते हैं। तो ये भी जनरली फॉयल गॉज मटेरियल के बने होते हैं या फिर इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है फॉयल गॉज से, तो इसको हम प्रेफर करते हैं। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज जो है वो ये डिपेंड करता है पीजो रेजिस्टिव प्रिंसिपल के ऊपर। और सेमीकंडक्टर की बात हो रही है तो नेचुरली उसमें मटेरियल जो है वो या सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम होगा। तो हम यहाँ पे भी रेजिस्टेंस को चेंज, जो इसमें रेजिस्टेंस में चेंज आएगा उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं कि कितना फोर्स लगाने पे कितनी रेजिस्टेंस चेंज हुई। देन आता है पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गॉज। ये देखने में इस तरह से है। पीजो इलेक्ट्रिक गॉज जो है ये लाइट बीम में यूज़ होता है। इसमें टू फाइन ग्रेटिंग होती है, फोटो सेल डिटेक्टर लगा होता है। तो जैसे ही हम स्ट्रेन डालेंगे उतना इलेक्ट्रिकल करंट में चेंज आएगा। करंट इज अगेन प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो अगेन रेजिस्टिव चेंज होगी। तो इसमें हमने पीजो इलेक्ट्रिक नाम से हमें पता लगता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा। तो इसमें जो लेंथ है वो 1/16 इंचेस की होती है और ये कंपैरेटिवली कॉस्टली स्ट्रेन गॉज है। आप स्ट्रेन गॉज को सेलेक्ट कैसे करना है? पहले गॉज की लेंथ देखनी है, फिर नंबर ऑफ गॉजेस कितने प्रेजेंट है गॉज पैटर्न में, नंबर ऑफ ग्रिड्स जिसको हम बोलते हैं। देन उसका अरेंजमेंट किस तरह से किया हुआ है, ग्रिड की रेजिस्टेंस कितनी है, टेम्परेचर की सेंसिटिविटी कितनी है, उसमें मटेरियल कौन सा लगा है, उसकी विड्थ कौन सी है और अवेलेबिलिटी या लो कॉस्ट है या नहीं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है स्ट्रेन गॉज के? नो मूविंग पार्ट आपने देखा है वो फिक्स्ड, उसमें ग्रेट किया होता है, उसके बीच में बेड किया होता है। इट इज़ स्मॉल एंड इनएक्सपेंसिव। डिसएडवांटेज ये है कि नॉन लीनियर रिस्पॉन्स है और इसको बार बार कैलिब्रेट करना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ हमारे स्ट्रेन गॉज में चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वैल्यूज गलत मेजर हो सकती हैं, जिसको कैलिब्रेट करना ज़रूरी है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? रेजिडुअल स्ट्रेस, वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए, टॉर्क को मेजर करने के लिए, टॉर्क मीन्स फोर्स, बेंडिंग और डिफ्लेक्शन मेजरमेंट करने के लिए। डिफ्लेक्शन क्यों बोला? क्योंकि अभी हमने एक पॉइंटर वाली एग्जाम्पल ली थी जहाँ पॉइंटर लगा हुआ था, तो वहाँ डिफ्लेक्शन हम मेजर कर सकते हैं इससे। कंप्रेशन और टेंशन मेजरमेंट और स्ट्रेन मेजरमेंट, फोर्स मेजरमेंट जिसको हम बोलते हैं। ये जो बीच में इसके एम्बेड है इसको हम इंटीग्रेटेड प्रोसेस सिस्टम्स बोलते हैं, ये अलग लैंग्वेज में इसका नाम है। गोल्ड बेल सिस्टम हम इसको बोलते हैं, ये इसका अलग लैंग्वेज में नाम है। ये जस्ट ऐसे आई होप आपको स्ट्रेन गॉज है क्या, उसका प्रिंसिपल क्या, उसके टाइप्स क्या, ये क्लियर होगा। मैं आज आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू, तो देन आई जस्ट एंडिंग दिस रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।